नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके इस YouTube चैनल क्लास में नितेश पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ समय से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था। उसके पीछे कारण था कि मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थे और कुछ स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो अब से मैं कोशिश करूँगा कि आपको टाइम टू टाइम वीडियो दे सकूँ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10 लेटेस्ट इंग्लिश वर्ड्स जो अभी बहुत प्रचलन में हैं, जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। 10 नहीं, मैं आपको कुछ ज़्यादा ही वर्ड देके जाऊँगा इस वीडियो से। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलो आज का ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट वर्ड है क्रश। क्रश का हिंदी मीनिंग होता है कुचलना या मसलना, पर आजकल इसका एक और यूज प्रचलन में है, चाहत या प्यार। इसके लिए भी क्रश वर्ड यूज़ किया जाता है। कहने का मतलब है, यानी कि अगर कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है या किसी को चाहता है, तो उसके लिए वो क्रश वर्ड का यूज़ करता है। इसी तरह अगर कोई लड़की किसी लड़के को चाहती है या प्यार करती है, तो वो उसके लिए क्रश वर्ड का यूज़ करती है। इसका हम सेंटेंस में यूज करके देखते हैं, शी इज़ माई क्रश या ही इज़ माई क्रश। तो इसका यूज़ हम लड़का और लड़की दोनों कर सकते हैं। ये वर्ड का मीनिंग चाहत या प्यार भी होता है। चलिए अगला वर्ड है हमारा सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन। ये ब्रदर एंड सिस्टर का कॉम्बो वर्ड है सिबलिंग्स। इसका मतलब भाई बहन होता है। इसका एक यूज़ देख लेते हैं, दे आर सिबलिंग्स, वे भाई बहन हैं। अगला वर्ड है हमारा बेटर हाफ। बेटर हाफ का मतलब होता है अर्धांगनी। ये वर्ड वाइफ का सिमिलर है। इसका एक यूज़ देख लेते हैं सेंटेंस में, सी इज़ माय बेटर हाफ, वह मेरी पत्नी है। अगला वर्ड है हमारा वडिक। वडिक का मतलब होता है निर्णय। इसका यूज़ भी काफ़ी प्रचलन में है। ये वर्ड भी अभी अयोध्या वडिक नाम से अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है ये वर्ड। तो इसका यूज़ देखते हैं एक सेंटेंस में, दिस इज़ गॉड्स वडिक्ट, ये भगवान का निर्णय है। अगला वर्ड है हमारा मॉकिंग। मॉकिंग का मतलब होता है मजाक। ये वर्ड भी प्रचलन में है, यानी कि ये जोकिंग का सिमिलर वर्ड है और ये भी प्रचलन में है। तो इसका हम एक सेंटेंस में यूज़ देखते हैं, आई एम जस्ट मॉकिंग, मैं तो मजाक कर रहा था बस। अगला वर्ड है हमारा फैंटसी, यानी कल्पना। इस वर्ड के बारे में आप जानते होंगे, तो ये वर्ड भी आप यूज़ कीजिए क्योंकि ये भी अभी प्रचलन में है। तो इसका एक यूज़ हम सेंटेंस में देखते हैं, सी इज़ माई ड्रीम फैंटसी, वह मेरी स्वप्न कल्पना है। अगला वर्ड है हमारा इंटॉक्सिकेटिंग। इंटॉक्सिकेटिंग इसका मीनिंग होता है नशा या नशेली चीज़ों के लिए इस वर्ड का यूज़ किया जाता है, इंटॉक्सिकेटिंग का। तो इसका मैं तो बोलूँगा कि इस जो नशा वगैरह है इसका यूज़ नहीं करना है। तो इसके लिए मैंने सेंटेंस भी उसी तरह से बनाया है आपके लिए, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं इसका, डोंट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग, किसी प्रकार का नशा मत लीजिए या मत कीजिए। अगला वर्ड है हमारा मिसमराइजिंग। मिसमराइजिंग का मतलब होता है मंत्रमुग्ध कर देना। ये तो आप जानते होंगे, मंत्रमुग्ध हो जाना। तो इसका जो मीनिंग तो मंत्रमुग्ध होता है, इसका यूज़ हम सेंटेंस में देखें तो इस तरह से कर सकते हैं हम, आई हैव मिसमराइज्ड ऑफ हर फ्रेग्रेंस, मैं उसकी जो सुगंध है, खुशबू है, उससे मंत्रमुग्ध हो गया। अगला वर्ड है हमारा डिमोट। डिमोट इसका मतलब होता है अवनति, पद घटाना या दर्जा नीचा करना, यानी कि किसी तरह से किसी को नीचा दिखा देना। इसके लिए इस वर्ड का यूज़ किया जाता है डिमोट। इसका एक यूज़ देख लेते हैं हम, ही डिमोटेड हर, उसने उसको नीचा दिखाया, इस तरह से इसका यूज़ हम कर सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा एंट्रीप्रेन्योर। एंट्रीप्रेन्योर इसका मतलब होता है व्यवसायी। इसका सिमिलर वर्ड है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन आप वर्ड जानते होंगे, पर क्या है कि एंटरप्रेन्योर ये वर्ड भी बिजनेसमैन का ही सिमिलर है। तो बिजनेसमैन तो हमको पता ही है, और एक और उससे मिलता जुलता वर्ड भी हम यूज़ करें तो अच्छा है, क्योंकि एक साथ दो वर्ड एक तरह के हमको याद हो रहे हैं, एंटरप्रेन्योर। तो इसका एक सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं, ही इज़ अ फेमस एंटरप्रेन्योर। चलिए अगला वर्ड है हमारा डाउन टू अर्थ, यानी व्यवहारिक, डाउन टू अर्थ। ये भी प्रचलन में काफ़ी वर्ड है। तो इसका यूज़ हम एक सेंटेंस में देखते हैं, ही इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, वो क्या है, एक बहुत ही व्यवहारिक आदमी है। अगला वर्ड है हमारा अंडर रेटेड।
अंडररेटेड का मतलब होता है कम आंकना या नाकाबिल समझना, यानी कि उसकी जो काबिलियत है उससे कम आंकना, उसको कम समझना। ये वर्ड भी काफ़ी प्रचलन में है अभी। इसका यूज़ हम सेंटेंस में देखते हैं, ही इज़ एन अंडररेटेड आर्टिस्ट। वह क्या एक कम आंका जाने वाला कलाकार है, मतलब कि उसमें काबिलियत तो बहुत है पर उसको उसकी काबिलियत के अकॉर्डिंग नहीं आंका जा रहा। चलिए फाइनल वर्ड है आज की वीडियो का हमारा, टैम्प्ट। टेम्प्ट का मतलब होता है लुभाना या ललचाना। ये वर्ड भी काफ़ी प्रचलन में है। इसका यूज़ हम एक सेंटेंस में करके देखते हैं, सी टेम्प्टेड मी, उसने मुझे लुभाया या मुझे ललचाया। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है, कोई भी वर्ड जो आपको पहले से नहीं पता था और उसका मीनिंग आज पता चला है, तो इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और पास ही बेल आइकन है उसे हिट कर दें, ताकि आने वाली हर प्रकार की वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय।